तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए सफर में, और स्वागत करते हैं आपका अहमदाबाद के असारवा जंक्शन पे। तो दोस्तों, आज हम यात्रा करेंगे 19407, जो असारवा से उदयपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो डेली चलती है, उसी की आज की अपनी जर्नी वाली होने वाली है, जिसका उद्घाटन अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर और देते हैं आपको ट्रेन की सारी जानकारी। और अपनी ट्रेन आ चुकी है असारवा रेलवे स्टेशन। उदयपुर सिटी असारवा इंटरसिटी एक्सप्रेस। और यहाँ पे लोगों का भीड़ आप लोग देख सकते हैं, काफी बड़ी संख्या में लोग बोर्ड करने वाले हैं अपने इस ट्रेन को। तो दोस्तों, अपने तय समय से 6:30 पर अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है असारवा रेलवे स्टेशन से। दोस्तों, आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है वो जनरल क्लास में होने वाली है, तो चलिए आपको जनरल क्लास का इंटीरियर दिखा देते हैं और उसका फेयर भी बता देते हैं। दोस्तों, अंदर आती आपको सामने मिल जाएगा मिरर, जो पूरा क्लीन तो नहीं है, फिर भी ठीक है। और नीचे वॉश बेसिन में पानी आ रहा है, वॉश बेसिन भी क्लीन है। आपको यहाँ पे हैंड लिक्विड मिल जाएगा और साबुन रखने के लिए। बाकी नीचे डस्टबिन है, इस तरफ भी डस्टबिन है, नेचर फायर एग्जीबिशन। तो आइए चलते हैं। और इसमें अंदर आते ही आपको सामने हैंगर मिल जाएगा। बाकी यहाँ का मिरर देख लीजिए, क्लीन है। और यहाँ अभी पानी आ रहा है। बाकी यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट जैसा दिया गया है, और इस तरफ लिक्विड सोप है। बाकी प्लस है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे वॉशरूम की हालत काफ़ी साफ सुथरा और बढ़िया है। तो चलिए इंटीरियर देखते हैं। और ये देख लीजिए, इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और आकर्षक नया कोच है और लगाया गया है। इस तरफ देखिए, सामने आपको चार्जिंग सॉकेट दो दो मिल जाएगा और हैंगर। बाकी गद्दी देख सकते हैं, काफ़ी आरामदायक है, नया नया है। इधर भी नीचे का भी दोनों तरफ काफ़ी अच्छा है। सामने भी दो चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और सामान रखने के लिए। तो ओवरऑल कुल मिला जुला के इसका लुक काफ़ी बढ़िया है और नया नया कोच है तो काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, ट्रेन अभी अपनी निकली थी असारवा से, कि देखते ही देखते आगे अपना पहला स्टॉप है सरदार ग्राम। तो आप लोग सरदार ग्राम से अपने ट्रेन का डिपार्चर देख रहे हैं, और बस मतलब 3-4 किलोमीटर दूरी पे ही सरदार ग्राम है, इसका पहला स्टॉप है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉप पे, आप लोग तब तक डिपार्चर देख लीजिए। सरदार ग्राम। और दोस्तों, आ चुकी है अपनी डेमो ट्रेन। डूंगरगढ़ से चलती है, गुजरात से आ रही है। हाँ, या क्या कहते हैं, केडवर्मा। अच्छा, केडवर्मा। लोगों को आते थे तो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, उससे पहले भी थोड़ा पता था, लेकिन उन्होंने उद्घाटन किया बहुत सक्सेसफुल है। वो सक्सेसफुल है जी। और मोदी जी ने उद्घाटन किया था 31 अक्टूबर को, तो क्या कहेंगे उसके लिए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सुविधा की है, बहुत बढ़िया। मोदी जी बहुत बढ़िया है, अच्छा विकास कर रहे हैं, जिसके लिए ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए था। बात बात।
दोस्तों समय देख लीजिए, समय हो रहा है 8:20 और अपनी ट्रेन आ चुकी है 45 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हिम्मत नगर जंक्शन पे। तो यहाँ पे ट्रेन का 5 मिनट स्टॉपेज है, लेकिन ट्रेन आई है बिफोर, यानी ट्रेन रुकने वाली है 10 मिनट। तो दोस्तों चलते हैं और लेते हैं कुछ खाने पीने का, क्योंकि यहाँ के समोसे और भजिया काफ़ी फेमस है। तो आइए चलते हैं, और आप भी अगर यहाँ पे आइएगा तो भजिया समोसा ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे बनते हैं। हेलो भाई, भैया दे देना भजिया, बीस का दे दो, बीस का भजिया, बीस का नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ले लो ये 20 का है, 100 ग्राम है, 20 का ठीक है, नहीं तो देखो यूट्यूबर हो। हाँ जी चाय भाजी अगर, तो अभी अपन इधर से भजिया लेते हैं और चाय लेते हैं, चलते हैं बताते हैं टेस्ट कैसा है। नहीं सर, चाय दे दे, हाँ सर चाय दे दे, चाय दे दे भैया आगे। और दोस्तों बात करें हिम्मत नगर जंक्शन की, तो 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और डेली यहाँ पे 4 ट्रेनों का हॉल्टिंग होता है, एक ट्रेनें ओरिजिनेट होती है और एक ट्रेनें टर्मिनेट होती है, और ये अपना पड़ता है वेस्टर्न रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में। तो चलिए दोस्तों भजिया खाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। तो दोस्तों ये भजिया हम लोग ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं आपको कैसा है। आपने स्टॉक तो दिखाई है आपको, और भजिया तो यहाँ का काफी फेमस है, खाने में भी काफी बढ़िया है, टेस्ट है। और आप अगर आइएगा तो समोसा इस समय नहीं मिल रहा था, अवेलेबल नहीं था, लेकिन समोसा भी यहाँ का फेमस है, समोसा भी ट्राई करेगा। तो चलिए फटाफट इसको फिनिश करते हैं, फिर आपको डिपार्चर दिखाते हैं। देख सकते हो स्टेशन हिम्मत नगर जंक्शन, और भाई यहाँ का हरियाली का नज़ारा देख लीजिए, काफ़ी बड़े बड़े घने पेड़ हैं। तो दोस्तों जस्ट अभी अपनी ट्रेन अराइव हुई सामला जी रेलवे रोड स्टेशन पे, और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी घने घने पेड़ हैं, आकर्षक नज़ारा है। और सामला जी स्टेशन मात्र 2 प्लेटफॉर्म का छोटा सा स्टेशन है। और बात करें सामला जी रोड स्टेशन की, तो अपने भगवान श्री कृष्ण के नाम पे इस स्टेशन का नाम सामला जी पड़ा है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूर पर उनका मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, और उनका रंग मतलब श्यामल वर्ण होने के कारण इस मंदिर इस स्टेशन का नाम सामला जी स्टेशन पड़ा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सामला जी में एक काफ़ी फेमस मेला भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यहाँ पे आएंगे तो काफ़ी भीड़ रहता है और आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, काफ़ी फेमस मंदिर है। तो चलिए फटाफट 2 मिनट का अपने ट्रेन का हॉल्टिंग है, फिर इसका डिपार्चर दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे। ये अपना गुजरात का आखिरी बॉर्डर का स्टेशन है सामला जी, इसके बाद अपना राजस्थान शुरू हो जाएगा, तो मिलते हैं आपसे सीधे राजस्थान में। तो सामला जी रोड स्टेशन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है दोस्तों, और अरावली की पहाड़ियों में बसा ये स्टेशन काफ़ी प्यारा और सुंदर है, छोटा सा एकदम प्यारा सा स्टेशन है, आप देख सकते हैं पहाड़ियों का नज़ारा चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा काफ़ी सुंदर स्टेशन है। और यहाँ से एक मीसो नदी भी बहती है, जब आप यहाँ आएंगे तो मीसो नदी में स्नान करके और यहाँ सामला जी दर्शन कर सकते हैं।
निकलते हैं समलाजी रोड स्टेशन से। डूंगरपुर डूंगरपुर के प्लेटफॉर्म नंबर एक पे अपनी ट्रेन अराइव होते हुए यहाँ पे लोगों का भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे काफी संख्या में लोग बोर्ड करने वाले हैं ट्रेन। तो दोस्तों 10 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है। अपने राजस्थान में एंट्री हम लोग ले चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है डूंगरपुर रेलवे स्टेशन पे। और राजस्थान का ये आदिवासी बहुल इलाका, काफी मतलब साक्षरता है यहाँ पे आदिवासियों में। भारत का मतलब काफी साक्षरता आदिवासियों वाला इलाका है। आदिवासियों का पूरा इलाका 100% साक्षरता वाला है। और दोस्तों राजस्थान के अरावली पहाड़ियों के बीच बसा डूंगरपुर, काफ़ी छोटा सा प्यारा सा स्टेशन है। और यहाँ पे आपको अरावली पहाड़ियों के बीच में ग्रीन जेम्स जो मिलता है, जो डूंगरपुर में बनाए जाते हैं, उसकी काफ़ी डिमांड है। और यहाँ पे अपने ट्रेन का 2 मिनट का हाल्ट है। और बात करें स्टेशन की तो 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और 2 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्टिंग होता है। एक ट्रेन ओरिजिनेट करती है, एक ट्रेन टर्मिनेट करती है। तो डूंगरपुर पड़ता है अपना वेस्टर्न रेलवे के, नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के अजमेर मंडल में। डूंगरपुर से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और यहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं कुछ भी। और राजस्थान में एंट्री करती दोस्तों आपको राजस्थानी शैली वाले अब स्टेशन दिख रहे होंगे, इसका लुक राजस्थान शैली में नजर आने लगा। डूंगरपुर दोस्तों जस्ट अपनी ट्रेन अराइव हुई अभी ऋषभ देव रोड पे। और बात करें ऋषभ देव रोड स्टेशन की तो यहाँ से अपने महान तीर्थकर ऋषभ देव जी का मंदिर है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तो जब कभी आप आए तो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर भगवान ऋषभ देव जी का दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि काफ़ी फेमस मंदिर है जैन तीर्थकर का। तो चलिए यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्टिंग है, इसके बाद दिखा देते हैं इसका डिपार्चर। तो दोस्तों ट्रेन अपनी डिपार्ट कर चुकी है ऋषभ देव रोड से
मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज में। तो अभी जस्ट अपनी ट्रेन आके लग चुकी है जावर स्टेशन पे। और बात करें जावर स्टेशन की तो यहाँ पे भारत का सबसे पुराना जिंक की माइंस जो होती है, जिंक की खदानें, वो यहीं पे है। और यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी सिल्वर प्रोड्यूशन भी यहीं पे होता है। दोस्तों माइंस आपको दिखाते हैं, पीछे आपको वो दिखेगा, ये देखिए पीछे माइंस की खदानें हैं और चिमनी है। धुआं नहीं उठ रहा है, बाकी यहीं से काम चलता है तो धुआं निकलता रहता है। चलिए यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं सामने माइंस है, जिंक की खदान है, यहीं पे काम चलता है, धुआं उठता रहता है, इस समय नहीं उठ रहा है। बाकी अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है जावर से। जावर ये यहाँ पे माइंस काफी बड़ी नजर आ रही है। जावर जावर इस रूट का सबसे ऊंचा ब्रिज है, ये ऊंचाई काफी ज्यादा है। ओडा नाला बहुत ऊंचा है भाई, चिनाब ब्रिज भी बनाया वैसा लग रहा है। चिनाब से ही छोटा है, चिनाब वाला और ऊंचा। हाँ चिनाब तो और ऊंचा है। नीचे के निर्धारक नीचे राजकारी गाड़ी खड़ी जो पुलिस खड़ी है। हाँ पुलिस के साथ पुलिस तो दोस्तों इस रूट के सबसे ऊंचे ब्रिज को क्रॉस करती हुई अपनी ट्रेन ओडा ब्रिज। और काफी सारी यहाँ पे पुलिस वगैरह लगी हुई है क्योंकि सैटरडे की रात में यहाँ पे एक घटना हो गई थी। इस ब्रिज को ब्लास्ट करके उड़ाने की एक साजिश रची गई थी। तो अभी काफी यहाँ पे और उस समय रेल भी काफी जो रूट ये इसका जो ट्रैक है काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी काफी पुलिस आ रहा है। कितनी पुलिस लगी है यार।
अरे मीडिया वाले मीडिया वाले पहला ट्रेन आ रहा है ना भाई, हादसा होने का, हादसा होने के बाद पहला ट्रेन है। कल वाला ट्रेन नहीं गया? नहीं। ये देखो आर्मी के जवान। तो दोस्तों अभी आपने देखा यहाँ पे कितनी सारी पुलिस, आरपीएफ और मीडिया के लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जो हमने आपको बताया सैटरडे को जो यहाँ पे हादसा हुआ था, और किसी ने यह जो रेल की पटरियाँ हैं उनके बोल्ट वगैरह भी निकाल लिए थे और डेटोनेटर से इस पुल को उड़ाने की साजिश थी। ये तो यहाँ के गाँव वालों ने इसको देख लिया था और पुलिस को बताया, तो एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया था। ये शनिवार रात की घटना है, यानी कि 13 तारीख की घटना है, 12 तारीख की घटना है, 12 तारीख को सैटरडे था। तो अभी अपनी ट्रेन उस ब्रिज को क्रॉस कर चुकी है, काफ़ी सारे मीडिया के लोग यहाँ पे, पुलिस फोर्स साढ़े बारह बजे उठी। तो दोस्तों दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन आ चुकी है 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद असारवा से उदयपुर सिटी।
और यहीं पे ख़त्म हो जाती है और अपनी भी और इस ट्रेन की जर्नी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।